नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सागर की एडवाइस में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही इस चैनल पे 3 से 4 प्रकार के कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा कंटेंट मेडिसन्स के ऊपर है कि आप मोनोग्लुकास्ट लेवोसिस्ट्राइन टैबलेट अगर ज़्यादा लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके आज बारी बारी सब हर एक साइड इफ़ेक्ट आपको बताता हूँ, और हो सके तो इसे लंबे समय तक यूज न करें। कुछ लोग इसे 4 साल से यूज करते आ रहे हैं, 5 साल से यूज करते आ रहे हैं, कुछ 1 साल से यूज करते आ रहे हैं। लोग इसे लंबे समय तक यूज करते हैं, कोई अस्थमा की प्रॉब्लम के लिए भी करता है, कोई सर्दी एलर्जी राइडाटिक के प्रॉब्लम के लिए भी करता है। तो हम आज आपको बताएंगे कि आपको इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अब आप डॉक्टर से मिले कि नहीं। दोस्तों, मोनोग्लुकास्ट लेवोसिट्राइन टैबलेट बेसिकली किस लिए ली जाती है? जैसे एलर्जी राइनाइटिस हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया एलर्जी से रिलेटेड, हाथ में कुछ एलर्जी है, नाक की कुछ एलर्जी है, दमा के लिए लिया जाता है एलर्जी राइनाइटिस। डॉक्टर से ज़्यादा ज़्यादा 15 या 30 दिन के लिए इसे टैबलेट को लिखता है, लेकिन कुछ लोग इसे और लॉन्ग टर्म के लिए खाते हैं। लेकिन दोस्तों, लंबे समय के लिए ये सेफ नहीं है। वैसे तो ये सेफ मेडिसन है, पर इसमें कुछ साइड इफेक्ट देखे गए जिससे आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये साइड इफेक्ट सच में हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आज फायदे के बारे में, आज इसके सिर्फ ओनली साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट आप सुन लीजिए बड़े ध्यान से, अगर आपको हो रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसको और कुछ निवारण निकलूंगा। मेरी एक एलर्जी राइनाइटिक्स पे एक आयुर्वेदिक वीडियो है जिसपे बहुत लोगों को आराम मिला है, तो अगर आप एलर्जी राइनाइटिक्स से पीड़ित हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, और मैं इसके साइड इफेक्ट बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनें और कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको ये साइड इफेक्ट महसूस हुई कि नहीं। दोस्तों, बेसिकली साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि भैया ड्राइनेस, माउथ, मुंह सूख सा जाता है, मतलब मुंह में कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब स्वाद सा नहीं लगता, सिर वगैरह दर्द देना, स्किन जो सोना, स्लीपिंग, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं। अगर आप लंबे समय से खा रहे हैं, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 1 साल हो गए, तो धीरे धीरे आपका दिमाग बिल्कुल शांत होने लगेगा, आपका दिमाग शांत होने लगेगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको मतलब बिल्कुल अंदर से माइंड कमज़ोर हो जाएगा। ये दवाई ऐसा काम करती है। शुरू शुरू में तो आपको 2-3 महीने 4 महीने बाद मुंह सूखना चालू हो जाएगा, आपको प्यास बहुत लगेगी। इसके बाद दोस्तों, आपको जिस सिम्टम्स होगा, आपको दिमाग शांत हो जाएगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपको आलसपन आएगा, दिन भर नींद रहेगी, रात में भी नींद रहेगी, ये साइड इफेक्ट देखेगा। ये दोस्तों आगे जाके और ख़तरनाक हो सकते हैं, इसमें सुसाइड करने तक के वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मन बिल्कुल दब जाता है, कुछ समझ में नहीं आता, डर की बीमारी हो जाती है दोस्तों इसमें ज़्यादा खाने से, लॉन्ग टर्म ज़्यादा खाने से डर की बीमारी हो जाती। पर ये दोस्तों को होती के लिए 30 से 40% लोगों को होती है, अगर 100% लोग डेली दवाई खा रहे हैं। तो हो सके दोस्तों आप अपने डॉक्टर से दिखवाइए और डॉक्टर को बताइए कि ये दवाई साइड इफेक्ट करती है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन बताएं। अगर आप अस्थमेटिक पेशेंट हैं तो आप इनहेलर का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इस दवा को कम करें, इनहेलर करके धीरे धीरे इस दवा को कम करें। इसको ज़्यादा लेना दोस्तों, मैंने जितना रिव्यू लिया है थोड़ा मतलब इसका ख़तरनाक ही है ज़्यादा लेना, वरना आपके डॉक्टर जैसा बोले आप वैसा भी कर सकते हो। मैंने जब बोला कि 40% लोगों को सिर्फ ऐसा होता है, बल्कि 60% लोगों को नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक आप बताइए कोई भी दवाई लेना क्या खतरे से खाली है? उसमें दोस्तों ऐसा ही होने लगता है, मतलब सिर बिल्कुल मतलब लो टाइप का सब हो जाता है, ब्रेन में कुछ समझ में नहीं आता। एक और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, आपको याददाश्त भी नहीं आएगी, आप भूलने लगोगे बहुत चीज़ें, आलसीपन आएगा, आप हर चीज़ का नेगेटिव ही सोचोगे, डर, किसी भी कहीं भी लड़ाई हो रही तो आपके पैर मैर कपने लगेंगे, ऐसा चीज़ भी आपके साथ हो सकता है। मैंने ऐसा रिव्यू लिया है मेरे सभी लोगों से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, हम आपको एक ही चैनल पे 3 से 4 प्रकार के कंटेंट लाते रहते हैं। और सर्दी पे मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखें, उसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।